कौन? जी, मैं राजा ठाकुर साहब से बात करना चाहती हूँ। आप कौन? उनकी पत्नी। आप कौन बोल रही हैं? मैं देखता हूँ। परम सिंह तेजावत बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? खमा घनी ठाकुर साहब, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। बोलिए भाई साहब। आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है और छोरी आप तक पहुँचा दी जाएगी। बस आप इतना याद रखें कि आपको रुद्र को हमारे रास्ते से हटाना है, क्योंकि अगर छोरी आप तक पहुंच गई और रुद्र जिंदा रहा तो वो तांडव करके हमारा जीना मुश्किल कर देगा। राजा ठाकुर परम सिंह पेजावत को अपनी जबान का मान रखना आता है भाई साहब। जी जी, ठीक है, मैं रखती हूँ। खमा घड़ी। क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कौन थी वो? ही कोई ऐसे ही। फिकर की कोई बात नहीं है ठाकुरायन साहब, सब ठीक है। और जो ठीक नहीं है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अरे, हमारी देवरानी तो बड़ी सुंदर लग रही। ये पर्दा इसलिए है ताकि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ना देख पाए। ठीक है ना भाभी साहब? आओ बन्ना साहब, विराजो। ना ना, रुको रुको, अब तो तैयारी हुई ना है पूरी। आप यहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ। ध्यान से, इनका साथ है जैसे पर्दा फट जाएगा। माटी सम कुमार माटी बन जावे है मूरत लागे इसका। छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे ये साथ। ये भी है कुछ आधा वो भी रहे अधूरी, फिर भी फेरे मुंह क्यों खड़े हैं ऐसी क्या मजबूरी। सुनी सुनी सी रातें और निंदिया रंग रसिया हल्दी की रस्म मुबारक हो बना। इतना जिद्दी कैसे हो गया? तो खून में पाया बाप से। हेलो
रणावत, तूने उस लड़की के लिए मारे पर इल्जाम लगाया था, जबकि मारी कोई गलती भी ना थी। लेकिन आज थारी उस तितली के सारे रंग और खूबसूरती छीन लूंगी मैं। आज के बाद थारे उस चांद पर केवल केवल दाग ही दाग होंगे। वही हूँ जो उस दिन संगीत में जोर का नाची थी। तमाशे वाली हूँ तो तमाशा खड़ा करना तो हक है हमारा। और आज आज मारे को बनड़ी को हल्दी लगाने से ना रोकना, क्योंकि हम जैसों की दुआओं से ही घर बसते हैं और उजड़ते भी हैं, है ना पार्वती? कहीं देखा है मैंने इन्हें, लेकिन कहाँ? भगवान थारे को सारी खुशियां दे। थारे दुख और दर्द दूर करे। मैं शायद आपको जानती हूँ। क्या बात है? बनड़ी ने अच्छे चेहरे के साथ साथ अच्छी याददाश्त भी पाई है। जब मैं याद हूँ तो मारी दी हुई राय कैसे भूल गई तुम? थारे को बता ही देती हूँ कि तीसरी किस्म का मर्द कैसा होता है, जानवर। कैसे चुन लिया उस जानवर को? कुछ जहर तूने फैलाया मारी जिंदगी में और कुछ मैं फैला कर जा रही हूं थारे शरीर पर। क्या कर रही है हमें? थारा इतना खास दिन है, दुआएं देने का हक तो रखती हूं ना। भरोसा नहीं है तुझ पे मुझे। क्या बात है? हल्दी लगाए तू बैठा है और सक मारी वफा पर। जा ना कर भरोसा, मरे ना जा रही थारे भरोसे के लिए। हल्दी लेकर रुदी, हल्दी ना छुड़ाई, देखा मारे को तारे हाथ में पड़ा।
थोड़ा सा शरबत पी लो। नहीं जीजा। अच्छा ठीक, मैं कुछ खाने के लिए लेकर। क्या किया तूने लैला? चल यहां से, चल उठ, चल चल यहां से। छोड़ो मनी, सबके सामने ऐसे छुप क्या कर रहे हो? छोड़ो मनी, छुप। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मनी, क्या कर रहे हो? सीधे खड़ी रहे। क्या? छोड़ो मनी, छोड़ो। मारे को जान दे दूंगी। वैसे भी जिंदा नहीं बचेगी, हल्दी में जहर मिला हुआ है। झूठ, ये भी आपकी कोई चाल होगी? कोई चाल नहीं है, मेरा भरोसा कर, भरोसा कर। मारे को आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, छोड़ो मन्ने। क्या हुआ? चल रहा है। इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या देखा है। ना कोई पढ़ पाया इसको, ना कोई समझा है। इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या देखा है। ना कोई पढ़ पाया इसको, ना कोई समझा है। पार्वती, थारी मौत उस हल्दी के साथ साथ हमारे अंदर भी है। पार्वती, रुद्र, उसके लिए मारे को धकेला। रुद्र, तूने तूने मारा खून बहाया। कितनी बार कहा है तुझसे, इससे दूर रहना, खबरदार। यहां से थारी होने वाली धर्म पत्नी से तो मैं मिलनी, लेकिन महारा परिचय ठीक से ना कराया तूने इससे। लैला, क्या सिर्फ नाम ना, रिश्ता भी बता। बता रुद्र, बता इसे कि ये तेरी होने वाली अर्धांगिनी है और मैं वो जिसके साथ। बस, इसके सामने तमीज में और मर्यादा में बात करना।
आज ना तो कोई पर्दा रहेगा और ना ही कोई मर्यादा। नए रिश्ते बनाने से पहले पुराने रिश्तों के राज छुपाने नहीं चाहिए रुद्र। लैला, पहले तो ये बता कि मोहरे को इसके सामने मर्यादा में रहने को क्यों कहा? बोल, तू तो जानवर था ना, तो आज अचानक इंसान कैसे बन गया? और तू क्या बात है रुद्र, अब मारे को इससे नजर भी ना मिलाने देगा। क्या लगता है थारे को कि थारी होड़े वाली अर्धांगणी को मारी नजर लग जाएगी? ना ना, नजर तो आज तू भी मारे से ना मिला रहा। कैसे भूल गया रुद्र? 8 साल, वो 8 साल जिसमें तूने सिर्फ महरे को थारीन आंखों में झांकने का हक दिया। अपने सारे जख्म खोलकर महरे सामने रख दिए। बता इसे कि ये थारी होड़े वाली अर्धांगड़ी है, मैं वो जिसके साथ। सुनहरे के कमरे में जा सीधा और वहीं रहना। जा जा। यहां 8 साल वाले और वहां 8 हफ्ते। 8 हफ्ते वाली को 8 साल वाले से बचा रहा है क्यों? तो बात समझाया तुझे मैंने, ये शादी जैसी है। कोई फर्क ना पड़ता मारे को, कोई फर्क ना पड़ता। मारे लिए सच वही है जो मारे सामने है ना। ये सब मारे से बर्दाश्त ना होगा और ना ये सब मैं होने दूंगी। पता मैं खूबसूरत हूँ, तेज हूँ, थारे को खुश रख सकती हूँ। फिर तू मारे को छोड़कर उसके साथ देख, मारे प्यार को ऐसे न ठुकरा, ऐसे न ठुकरा रुद्र। देख लैला, मैं क्या कहा तूने? वही जो तूने सुना, मारे प्यार को ऐसे न ठुकरा। पागल हो गई है हाँ? क्या तेरे मेरे बीच में प्यार कहां से आ गया? जानती है तू ये प्यार व्यार में यकीन नहीं रखता मैं। मैंने तुझसे कभी नहीं कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सूरज को कहता है उगड़े को, नहीं ना, वो अपने आप उगता है। उसी तरह थारा प्यार मारे इस मन में हो गया है और अब मारा इस पर कोई जोर ना है। वो क्या गया है तुझे लैला, बावली हो गई है? देख अपने मन में ये सब बातें मत आने दे, ये प्यार की बकवास तेरे अपने दिमाग की उपज है। मैंने तुझे कभी अपने साथ की उम्मीद नहीं दी। वहां जयपुर में छोड़कर चला आया था मैं तुझे, तो खुद मेरे पीछे चंदन गढ़ाई, यहां अपना ठिकाना बनाया। तो जानती है कि मैं प्यार में विश्वास नहीं करता, नफरत करता हूँ प्यार से। झूठ, प्यार में विश्वास न रखता, प्यार से नफरत है ना थारे को? तो फिर क्या है, फिर क्या है थारे और उसके बीच? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.